अच्छे स्टूडेंट्स तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करें फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर नेम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ फोर मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दिस आर लिपिड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स न्यूक्लिक एसिड्स These are DNA and RNA, carbohydrates that consist of sugars like glucose, fructose, galactose, etc., and proteins. Different type of proteins we have like hemoglobin, myoglobin, multiple type of proteins we have. Okay. तो so, अब हम पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है सारी की सारी चीज़ें केमिकल एलिमेंट से बनी हुई है अच्छा तो, बच्चे ये वाला जो चैप्टर है ना फर्स्ट ईयर का सेकेंड चैप्टर इसको लिया गया है बायो केमेस्ट्री आ, के सब्जेक्ट से ठीक है बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल तो बायो केमेस्ट्री से इसको उठाया गया है ठीक है तो जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सारी की सारी केमिकल एलिमेंट से बनी है ठीक है जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एटम्स से बने हैं एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं बिल्कुल आपके स्कूल के साइंस की बुक की बात वही दोबारा रिपीट की गई है ठीक है अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडीज में भी केमिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं अब कौन कौन से केमिकल एलिमेंट्स हैं जो जिंदा चीजों की बॉडी में होते हैं इंसान जानवर जितने भी एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं सबकी बॉडी में ये होते हैं उनमें हमारे पास एक कार्बन हाइड्रोजन होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजनस सल्फर ये सारी की सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद होती हैं ठीक है थीके? अब हमारे पास जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये कितने परसेंट बॉडी में मौजूद होता है इंसान की नाइनटी फाइव परसेंट आप सेम में भी पूछ सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों कितने परसेंट है तो नाइनटी मौजूद है बाकी एलिमेंट्स भी बॉडी में मौजूद है इंसानों के लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट में स्मॉल प्रोपोर्शन में मौजूद है अब बायोकेमिस्ट्री क्या है बायोकेमिस्ट्री आपके पास वो ब्रांच है बायोलॉजी के जिसमें आप स्ट्रक्चर को पढ़ते हो कंपोजिशन को पढ़ते हो फंक्शंस को पढ़ते हो मॉलिक्यूल्स के जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है और वो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है तो वो कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस में रोल प्ले कर रहे हैं अब स्ट्रक्चर के कोई भी आपके पास बायोलॉजिकल कंपाउंड है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है कंपोजिशन मतलब कौन कौन सी चीजें अंदर मौजूद है इट इज कम्पोज ऑफ मतलब क्या क्या है कार्बन है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है पानी कितना है ठीक है और फिर वो मॉलिक्यूल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किन किन बायोलॉजिकल प्रोसेसिस में रोल प्ले करते हैं ठीक है अब बॉन्डिंग जो होती है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और बाकी जो एटम्स हैं वो मिलके आपस में बॉन्डिंग करते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन मिल गई कि जब भी आपके पास उसमें कार्बन होगा हाइड्रोजन होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कुछ बाकी एटम्स जो आपस में मिलके बॉन्डिंग करते हैं कार्बन के साथ चाहे वो हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ मिला है चाहे वो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ मिला है नाइट्रोजन है या कोई भी और चीज हर वो चीज जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे ठीक है अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेल ऑर्गेनिलीज के ठीक है अब कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो आपके पास बैक बॉन्ड बनाते जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सबका मैं आपको बता रही थी कि हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे अगर आप प्रोटीन को देख लो प्रोटीन ऑर्गेनिक है लिपिड ऑर्गेनिक है तो जब आप इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हो ना तो बीच में जो कंपाउंड होता है वो कार्बन का होता है तो कार्बन के बैकबोन्स इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में होते हैं ठीक है तो कार्बन कार्बन का बैक होता है फिर साइड पे इसके साथ कुछ भी अटैच हो सकता है तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो सब के सब जो है तो उनमें आपके पास कार्बन कार्बन की बैकबोन होगी ठीक है अच्छा केमिकल एनालिसिस जब आप प्रोटोप्लाज्म की करते हो प्रोटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म और साथ में न्यूक्लियस या हम कह सकते हैं द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल वो प्रोटोप्लाज्म है तो उसमें दो ही मेजर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कार्बन के, के साथ जिस भी चीज ने बॉन्ड बनाई होगी जिसमें बैक बॉन्ड कार्बन का होगा और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा अब ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ना ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट परसेंटेजेस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं बास चीजें जो है वो सेल टू सेल भी वेरी करते हैं कुछ सेल्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो चीजें ज्यादा होंगी कुछ में वो कम होंगी अच्छा पानी जो है वाटर वाटर आपके पास भी एक केमिकल कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है और ये इनऑर्गेनिक है पानी इनऑर्गेनिक है तो ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट आपके पास जो है तो मौजूद है प्रोटोप्लाज्म में ठीक है आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी है अब वाटर उसको चाहिए डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं उसके लिए भी चाहिए इसके लिए और इसके अलावा वाटर जो है तो टेम्परेचर को मेनटेन करने के लिए चाहिए होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जो आपकी बॉडी में आयन्स डिफरेंट मूवमेंट करे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है हर्ट में हो रही है मसल्स में हो रही है तो वो आयंस के फॉर्म में कैसे आए जो भी चीजें हैं आयनाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है तो पानी सबसे ज्यादा होता है प्रोटोप्लाज्म में ठीक है ये कहते हैं कि थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ द बॉडी वेट जो होता है ना वो वाटर होता है ठीक है मतलब अगर फोर पार्ट्स है ना बॉडी की तो उसमें थ्री पार्ट्स जो वेट होगा वो पानी का होगा और बाकी जो बाकी चीज़ें होंगी में उसका वेट होगा अच्छा पानी के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सबसे एबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन पहले तो पानी है सबसे ज़्यादा उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे आते हैं वो प्रोटीन है प्रोटीन सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेल्स के अंदर मौजूद होता है जैसे अपने बालों को देख ले प्रोटीन्स है नेल्स को देख ले प्रोटीन्स है ठीक है इस तरह आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्किन में प्रोटीन्स है कोलाजिन ए लास्ट है आपके मसल्स में प्रोटीन है हेमोग्लोबिन मायोग्लोबिन सॉरी हेमोग्लोबिन आपके ब्लड में है और मायोग्लोबिन मसल में है इस तरह एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन्स है मसल में तो आपकी फुल बॉडी जो है वो मसल से सॉरी प्रोटीन से बनी हुई है अच्छा बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटीन के अलावा वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं कार्बोहाइड्रेट सिंपली क्या शुगर्स है शुगर्स हैं इसके अलावा लिपिड्स हैं न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीएनए और आरएनए एन ए है इंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं नेचर इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे ही नहीं तो इन्जाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर है और वो भी मौजूद होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अब बात करते हैं हार्मोन्स की तो हार्मोन्स तो हम कहते हैं कि क्या चीज़ है ये केमिकल मैसेंजर्स हैं ठीक है हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंसानों की बॉडी हो गई जानवरों की हो गई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको पता है कि हार्मोन्स आर आल्सो केमिकल्स ठीक है इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट हैं वो भी स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होती है और वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बॉडी में जैसे सोडियम सॉल्ट हो गया पोटाशियम क्या हो गया कैल्शियम वगैरह हो गए मैग्नीशियम वगैरह हो गए तो मल्टीपल चीज़ें हैं ठीक है जिस तरह उस दिन हमने पढ़ा था कि दो सब यूनिट्स जो राइबोसोम के होते एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयनस ठीक है तो अब आपको ये टेबल दिया गया इसको आपने मस्ट याद करना है ईटा में सेम सिक्यूज आते हैं बोर्ड एग्जाम में सेम सिक्यूज आते हैं बैक्टीरियल सेल को कंपेयर किया गया है विद मेमेलियन सेल क्यों क्योंकि बैक्टीरिया आपके पास एक एग्जाम्पल है सबसे सिंपलेस्ट और मेमेलियन सेल जो है तो सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है यूक्रिय की तो वाटर कितना प्रेजेंट होता है सेवेंटी परसेंट बैक्टीरियल सेल में भी है और मेमल सेल में भी है प्रोटीन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में फिफ्टीन परसेंट होती है प्रोटीन जबकि मेमल्स के सेल में एटीन परसेंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स बैक्टीरियल सेल में थ्री परसेंट होते हैं मेमलियन सेल में फोर परसेंट होते हैं इस तरह लिपिड्स की बात करें तो टू परसेंट है बैक्टीरियल सेल में और वो थ्री परसेंट है मेमेलियन सेल में डीएनए की बात करें तो बैक्टीरिया में वो वन परसेंट है क्योंकि उसका एक अपना स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी होता है मेमेलियन सेल में जीरो पॉइंट टू फाइव है आरएनए की बात करें तो वो भी बैक्टीरियल सेल में काफी ज्यादा है सिक्स है और सिक्स परसेंट है और मेमेलियन सेल में मेंसेंट है बाकी इंजाइम हो गए हॉर्मोन्स वगैरह हो गए तो वो दोनों टू टू परसेंट है इनऑर्गेनिक आयंस भी दोनों में वन वन परसेंट है तो इसको आपने याद करना है मेमोराइज करना है इस पर रट्टा लगाना है कि आपसे भूले नहीं वैल्यूज अच्छा कुछ वैल्यूज तो आपको अभी याद हो गई होंगी कि एनऑर्गेनिक आयन है दोनों में वन है इन्जाइम और हॉर्मोन है दोनों में टू है अच्छा वाटर है दोनों में सेवेंटी परसेंट है ठीक है अब हम आगे जाते हैं कि फ़ंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं इस बार भी जो है तो बोर्ड एग्जाम में आया था कि आम, आप बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को फंडामेंटल को डिफ़ाइन करें तो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है तो बेसिकली ये फ़ोर फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटोप्लाजम में मौजूद होते हैं कौन कौन से एक है कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे हैं आपके पास प्रोटीन इसके अलावा है लिपिड्स और इसके अलावा है न्यूक्लिक एसिड तो यही चार आपके पास बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं ठीक है फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं प्रोटीन्स हैं लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं साथ में कार्बोहाइड्रेट्स हैं अच्छा ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से किस किस चीज पे डिफर करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो स्लाइटली एक दूसरे से थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं ठीक है इसके अलावा जो है तो इनकी कम्पोजिशन इनकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस होती है साथ साथ इनके फंक्शंस भी डिफरेंट डिफरेंट है इसीलिए तो ये डिफरेंट है ठीक है अब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए अमाइनो एसिड्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ये एक दूसरे से डिफरेंट किसके बेसिस पे होते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हैं तो फंक्शनल ग्रुप अब क्या चीज़ें फंक्शनल ग्रुप आपके पास कोई भी ऐसा केमिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा केमिकल ग्रुप होता है कि जब वो किसी चीज के साथ अटैच हो जाए तो उसकी वजह से वो फंक्शनल होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया अमीनो ग्रुप हो गया अमीनो ग्रुप अटैच होगा तो प्रोटीन्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है डिफरेंट उसमें अटैच होगा तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये फंक्शनैलिटी देते हैं आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ेंगे भी आगे ठीक है अच्छा अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इन्हीं की वजह से ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हमने बात की है अभी रिसेंटली वो चारों के चारों एक दूसरे से डिफरेंट है ठीक है और जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है सब एक दूसरे से डिफरेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स अब फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं हाइड्रोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आपको याद रखना होगा हाइड्रोक्सिल्स फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जो जो जिधर भी अटैच होगा तो इसको हम कहते हैं कि अल्कोहल है वो चीज अल्कोहल है ये होता है ग्रुप ग्रुप है है इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ये जिस चीज के साथ अटैच होगा तो वो एसिडिक होंगे ठीक है इसके बाद अल्डिहाइड ग्रुप है अमीनो ग्रुप है एनएच थ्री ग्रुप, ग्रुप वो अटैच होंगे तो ये आपके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो के सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होंगे

इसके बाद जो आपके पास इनऑर्गेनिक वाटर आता है वाटर के अलावा आपके पास सॉल्ट्स आते हैं और ये सब के सब मौजूद होंगे प्रोटोप्लाज्म में अब वाटर जो है ना ये ज़्यादा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के लिए जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो एक अगर आप पौधा और आप उसको पानी नहीं देते हो तो आफ्टर फ्यू डेज उसकी विल्टिंग

अब जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस में रोल साथ-साथ प्ले करते हैं ठीक है अब हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे अक्सर बोर्ड में नोट आ जाता है कि डिफरेंस क्रिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस हम कंडेंसेशन किसको कहते हैं जब भी पानी किसी चीज से रिमूव हो जाता है वो कंडेंस हो जाता है वो थिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन ठीक है कंडेंस जैसे हम कहते हैं कंडेंस मिल्क है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं होता ठीक है वैसे नॉर्मल मिल्क में तो पानी की क्वांटिटी होती है तो कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं कि लार्ज ऑर्गेनिक मोलिक्यूल जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं या पॉलीमर्स कहते हैं वो आपके पास तब बनते हैं जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं अब दो मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से रिमूव होता है और दूसरे मोनोमर से आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा ठीक है यहाँ पे अब आपके पास क्या बात की है इन्होंने कि आपके पास जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या कोई भी आपके पास मोनोमर्स बन रहे हैं सॉरी पॉलीमर्स बन रहे हैं तो आपके पास मोनोमर्स कंबाइन होंगे फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स है मेरे पास दो ये आपस में मिलेंगे एक अमाइनो एसिड ये हो गया है और दूसरा अमाइनो एसिड ये दूसरा हो गया जब ये दोनों आपस के में मिलेंगे तो इनसे पॉलीमर बनेगा और वो पॉलीमर क्या है प्रोटीन है ठीक है अब प्रोटीन इनसे आगे जाके बनेगा जब दो आपके पास मोनोमर्स कंबाइन होंगे अब क्या होता है कि इस एक मोनोमर से ओ एच ग्रुप रिमूव हो जाएगा और जो दूसरा मोनोमर है इससे एच ग्रुप रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना जब ये बॉन्ड हट गया ये टूट गया तो यहाँ से क्या चीज रिमूव हुई है वाटर का मॉलिक्यूल और इन्होंने क्या किया आपस में मोनोमर्स ने बॉन्ड बना लिए मोनो मोनोमीन्स वन मोनोमर छोटा होता है छोटे यूनिट्स होते हैं जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं बड़े यूनिट जिसे हम कहते हैं पॉलीमर तो यहाँ से क्या हुआ एक से ओ एच OH रिमूव हुआ दूसरे से एच रिमूव हुआ यानी वाटर का मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला गया और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और इनसे बन गया पॉलीमर कोई भी पॉलीमर बन सकता है यहाँ मैंने प्रोटीन की एग्जाम्पल दी है तो हर वो प्रोसेस जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन या अगर वाटर रिमूव होता है उसे हम क्या कहते हैं डिहाइड्रेशन तो कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्शन पे तो कहीं कहीं बार नोट आ चुका है सो दैट इज इंपॉर्टेंट अब इस प्रोसेस में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है अब कहते हैं अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स क्या है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ब्लॉक्स ऑफ ठीक है उन्हीं से आगे जाके आपके पास प्रोटीन्स बनते हैं अब एसिड्स बेसिकली है और उन्हीं से ये जो इतने ज़्यादा है सारे बने हुए कुछ एसेंशियल एसेंशियलो एसिड होते हैं कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं अच्छा ये जो अमाइनो एसेड है जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो आपके पास बनाते हैं प्रोटीन्स और ये जिस बॉन्ड के जरिए मिले हैं ये दोनों मिले हैं प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे तो हम कहते हैं डाइपेपटाइड बॉन्ड अब इसको भी आपने याद रखना है कि प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है प्रोटीन्स हैव द डाइपेप्टाइड बॉन्ड ठीक है प्रोटीन्स में डाइपेप्टाइड बॉन्ड होगा अच्छा ओएच जो है कार्बोक्सिल ग्रुप से रिमूव हो जाता है एक अमाइनो एसिड के और कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन एटम के एक दूसरे अमाइनो एसिड से ठीक है ये आपके पास एक अमाइनो एसिड ग्रुप अटैच है और ये यहाँ पर दूसरा है ये हमारे पास बेसिकली अमाइनो एसिड्स जो होते हैं तो इनके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो एक के कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और दूसरे से आपके पास एक वॉटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव तो हो, हो गया है अब यहाँ पे भी आपको टेबल में दिखाया गया है और ये भी एक बार एम सी क्यू में पूछा था हालांकि ये तो बहुत सिंपल लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे के जो आपके पास पोलीसेक्राइड है उसके मोनोमर्स क्या क्या है ठीक है तो पोलिसक्राइड्स जो है उनके मोनोमर्स मोनोसेक्राइड हैं पोली मीन्स मैनी एंड सेक्रम मीन शुगर यानी पोलीसेक्राइड के बड़े बड़े शुगर के यूनिट्स हैं ठीक है ठीके? तो वो किससे बनेंगे छोटे छोटे यूनिट से मोनोमर्स से तो मोनोसेक्राइड्स हैं फिर लिपिड्स के मोनोमर्स क्या क्या हैं ग्लाइसरोल और फैटी एसिड शायद यही एम सी क्यू में आया था कि लिपिड के मोनोमर्स क्या है तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स हैं ये इसके मोनोमर है आपस में मिलेंगे तो लिपिड्स बनाएंगे टूटेंगे तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड देंगे फिर प्रोटीन किस चीज़ से बनते हैं इनके बेसिक यूनिट के अमाइनो एसिड्स हैं फिर न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड्स क्या है एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन यूरासेल जो डीएनए और आरएनए के अंदर मौजूद होते हैं आगे डिटेल में पढ़ोगे डोंट वरी अबाउट दैट अच्छा अभी हमने इससे पहले पढ़ा कंडेंसेशन और मैंने आपसे कहा भी कि क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है ठीक है कंडेंसेशन में क्या था वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हो रहा था हाइड्रोलिसिस में क्या होता है हाइड्रोलिसिस में हाइड्रो मींस वॉटर एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग इसमें वाटर का मोलिक्यूल ऐड हो जाता है इंस्टीड ऑफ रिमूविंग ठीक है और वहां पे क्या हो रहा था मोनोमर्स आपके आपस में मिल के पॉलीमर बना रहे थे यहाँ पे पॉलीमर टूटेगा और उससे मोनोमर बनेगा कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और उससे मोनोमर बनेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो तब बनेगा वहां वाटर रिमूव हुआ तो उससे पॉलीमर बन गया यहाँ पे क्या होगा वाटर ऐड होगा तो मोनोमर बन जाएगा पॉलीमर्स जो आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मीन्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू मोनोमर्स अपने मोनोमर्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस के जरिए ये बिल्कुल रिवर्स है कंडेंसेशन का अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फ्रॉम वाटर क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल हम डालते हैं ना तो एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है है ठीक और दूसरे के साथ दूसरे मोनोमर के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है ठीक है अब इसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्यों कहते हैं क्योंकि हम वाटर का मॉलिक्यूल डालते और वाटर स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑइज ग्रुप ठीक है और वो हाइड्रोजन जाके एक मोनोमर के साथ अटैच हो जाता है और ऑयच दूसरे के साथ अटैच हो जाता है अब इसकी एग्जांपल आपको दी गई है कि जैसे आप सुक्रोस में सुक्रोसोस आपके पास शुगर की एक फॉर्म है एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है तो सुक्रोज को जब आप पानी में डालते हो ऐड करते हो तो आपको रिएक्शन में नजर भी आ रहा होगा कि जब हमने सुक्रोस को पानी में डाला तो उससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गए क्योंकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सुक्रोज के क्या है मोनोमर्स हैं ठीक है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुई वाटर की स्प्लिटिंग हो गई ठीक है अब ये जो हाइड्रोलिसिस है और कंडेंसेशन है इन दोनों को एंजाइम्स की जरूरत होती है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ये रिएक्शंस नहीं होते तो जब भी आपने इनके रिएक्शंस लिखने होंगे पेपर में या नोट्स में तो आप ऊपर इसके एंजाइम लिखते हो अगर आपको एंजाइम का नाम नहीं भी है यार तो सिर्फ एरोस के ऊपर एंजाइम लिख देना ठीक है अच्छा अब है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है वाटर जो है वो काफी ज्यादा एसेंशियल है लाइफ के लिए ठीक है विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है इसलिए अल्लाह ताला ने हर एक ऑर्गेनिज्म को जो है तो पानी से ही क्रिएट किया है ठीक है अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस परसेंटेज को याद रखना है कि उनकी बॉडी में सेवेंटी से लेकर नाइन्टी परसेंट तक वाटर होता है और ये आपके पास काफ़ी ज्यादा एसेंशियल है फॉर द प्रोटोप्लाज्म सोचे ना कि अगर आपके पास पानी नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में तो 90% वाटर है तो वो वाटर सारा निकल के चला जाएगा साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा ठीक है अगर आपके पास 10% पे पानी रिड्यूस हो जाए तो जो है तो फिर लाइफ पॉसिबल ही, ही नहीं है सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ठीक है तो हमारे पास इस इंपॉर्टेंस की वजह से जो है तो दुनिया में भी पानी काफी ज्यादा मौजूद है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें वाटर की पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी ज्यादा इम्पॉर्टेंट एक आ, आ, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए ज़रूरी है ठीक है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाटर की पोलर नेचर है वाटर पोलर है ठीक है तो इसमें आप कोई भी आम, आयोनिक कंपाउंड डालोगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा अब क्यों अल्लाह ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर को ही डाला है देखिए आपको पता है कि जब ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट में होती है मसल में होती है तो उस टाइम पे डिफरेंट टाइप के आयंस की मूवमेंट हो रही होती है नर्व में जो आपके नर्व में साइनअप्स वगैरह होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप की मूवमेंट हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ आयंस तो अगर आपके पास यही आयंस मौजूद नहीं होंगी तो किस तरह से ये एक्टिविटी होगी तो जो भी आपने लिया आ, कोई आपके पास सॉल्ट है या जो भी चीज़ है जो आपकी बॉडी में इनऑर्गेनिक आयंस मौजूद है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है तो वो आयनाइज़ होते हैं वाटर में इसके अलावा भी वाटर की बहुत सी इम्पॉर्टेंसेज है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है तो सबसे पहली बात आपने क्या याद रखनी है पोलर का क्या मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पोल बनते हैं ठीक है अब इसका जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन एंड क्योंकि वाटर इज मेड अप टू ओ तो जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर होता है पार्शल नेगेटिव चार्ज ठीक है तो जो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन होगा ऑक्सीजन के ऊपर होता है जो वाटर में आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है उसके ऊपर होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज बट दैट इज पार्शियल इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव ठीक है अब वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्कूल में पढ़ा भी होगा कि एक वीक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेकिन ये वाटर वगैरह में और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है तो वाटर के अंदर जो बॉन्ड्स है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपके पास वीकर हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स से लेकिन फिर भी वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है उसकी वजह से ये दूसरे के साथ अटैच फॉर्म में रह सकते हैं अच्छा इसके बाद अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास जो वाटर है दैट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट हर एक चीज को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है ठीक है ड्यू टू पोलर नेचर क्योंकि इसका नेचर आपके पास पोलर है वाटर का तो ये डिजोल्व कर सकता है हर किस्म के पोलर सब्सटेंसेस को आप जिस भी पोलर चीज को इसमें डालोगे वो इसमें डिजोल्व हो जाएगी जैसे एन सॉल्ट है तो क्योंकि वो पोलर है आप इसमें डाल दो डिजोल्व हो जाएगी ठीक है इसको इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि दुनिया के हर एक पोलर चीज को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है ठीक है अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है उनको वाटर की जरूरत होती है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी क्योंकि इंट्रा सेलुलर फ्लूड भी होता है सेल के अंदर और सेल्स के बाहर भी फ्लूड होता है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं उन सब केमिकल रिएक्शन को भी पानी की जरूरत होती है और वो पानी किधर से मिलता है क्योंकि नेचुरली सेल के अंदर मौजूद है अच्छा वाटर आपके पास जितने भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी में उसके लिए ज़रूरी है फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हो तो जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा टू सोडियम आयंस और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड है वाटर का वो अट्रैक्ट करेगा क्लोराइड आयन को क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किधर जाएगा ऑक्सीजन के पास जाएगा और क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किधर जाएगा हाइड्रोजन के पास जाएगा एज अ रिजल्ट आपके सोडियम और क्लोराइड के एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है वाटर जो है वो सारे के सारे मिनरल्स को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है सॉइल में ठीक है जब हम पानी डालते हैं क्यों डालते हैं पानी पौधों को तो वो अपनी जड़ों के जरिए पानी को एब्सॉर्व करते हैं तो जितने भी मिनरल्स उस सॉयल में मौजूद है वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं अगर पानी ना डाले तो कैसे एब्जॉर्ब करेगा उन मिनरल्स को और वो मिनरल डिज़ोल्व होंगे वो पानी में डिजोल्व हो जाते जब आप पौधों को पानी डालते हो और फिर साथ साथ रूट से चले जाते हो और फिर उस पौधे तक पहुँच जाते ठीक है प्लांट के टिश्यूज तक पहुँच जाते इसके बाद है आपके पास वाटर का कोहेसिव और एडहेसिव नेचर ठीक है वाटर में कोहेज कोहेजन और एडिजन की फोर्सेस भी मौजूद होते हैं वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं ठीक है थीके? अब इसकी वजह से क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स बन जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इसलिए वाटर जो है ना वो आपने देखा होगा जब भी आप पानी को गिराते हो या पानी की दर से जा रहा है तो ऐसा नहीं होता कि वो छोटे छोटे पीसीज में स्प्लिट हो जाए बल्कि वो कॉन्टिन्यूस ली एक ही रिदम में कॉन्स्टेंटली फ्लो करके जा रहा होता है तो ये क्यों विदाउट ब्रेकेज एक ही फ्लो में जा रहा है ये लिक्विड क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स है वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये एबिलिटी भी होती है कि वो एडहेयर हो सकते स्टिक हो सकते किसी भी चीज़ के साथ किसी भी वेजल में आप ग्लास में डाल दो आप किसी पाइप वगैरह में डाल दो जग में डाल दो किसी भी वेजल में डाल दो बीकर में डाल दो तो जब आप उससे पानी वगैरह गिरा देते हो तो उसके ऊपर थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स फिर भी मौजूद होते हैं तो वाटर में ये एबिलिटी भी है एडहीजन की भी कि ये एडहेसिव हो जाता है विद दिस सरफेस जिधर भी ये आ, किसी भी वेजल में आप डालो जैसे आपकी ब्लड कैपिलरीज में भी जो ब्लड में भी वाटर कंटेंट है तो वो उसमें फिल हो जाता है फ्लो करता है तो वो फ्लो करता है साथ साथ डिजॉर्व मॉलिक्यूल को भी पूरे के पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिस तरह मैंने आपको रूट्स की एग्जाम्पल दी इस तरह न्यूट्रंस वगैरह जो है उसको आपकी बॉडी से भी एब्जॉर्व करता है और फिर आपके ब्लड वेजल्स में ये फैलता जाता है ये पानी क्योंकि उसको वो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो एडहेजिव फोर्स की वजह से उसको ऑकोपाई कर लेता है और न्यूट्रॉन्स आपकी पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ठीक है इसके बाद इसका है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये ये सारी वाटर की प्रॉपर्टीज है और ये आपने याद करनी है आते हैं पेपर में ठीक है इसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो इससे पहले आपको समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं वाटर की जो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है फोर पॉइंट वन एट जाओल पर ग्राम ठीक है पर डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको ये वैल्यू याद रखनी ये आ सकती है पेपर में एमसीक्यूज में बताया कि वाटर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है तो फोर पॉइंट वन एट जाउल पर ग्राम है ठीक है एक ग्राम ऑफ वाटर में जो है तो फोर पॉइंट वन एट जाओल उसकी हाई हीट ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी है अच्छा स्पेसिफिक हीट अब क्या चीज है स्पेसिफिक हीट आपके पास वो हीट एनर्जी है जो कि आपको चाहिए होती है कि आप टेम्परेचर एक ग्राम पानी का टेम्परेचर एक डिग्री सेंटीग्रेड पे राइज करो वन ग्राम वाटर को आप वन डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर हाई करो तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है? वाटर जो है ना इसमें ये एबिलिटी है कि एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है हाई अमाउंट ऑफ हीट को ठीक है विदाउट लिटल चेंज इन इट्स टेम्परेचर उसके टेम्परेचर में कोई खास चेंज नहीं आएगा लेकिन वो ज्यादा अमाउंट की हीट को एब्सॉर्ब भी कर सकता है और रिलीज भी कर सकता है अच्छा इसी वजह से कि टेम्परेचर जो है पानी का राइज और फॉल स्लोली होता है बाकी लिक्विड से तो इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अल्लाह ताला ने डाला है क्योंकि बहुत सडन राइज या फॉल आता टेम्परेचर में तो सोचे क्या सर्वाइवल पॉसिबल था लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं तो ये प्रॉपर्टी हेल्प करते लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करे जो स्पेसिफिकली आपके पास वार्म ब्लडेड एनिमल है क्योंकि उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है या अगर आप अपनी मिसाल ले लो आप भी वार्म ब्लडेड हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करें क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगी तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इंजाइन भी डिनेचर हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ताकि उनको रैपिड टेम्परेचर चेंज से बचाए तो इसीलिए वाटर जो है तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में मौजूद रहता है ठीक है इसके पास अच्छा इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो मौजूद होते वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर तो इस वजह से आ, आपके पास क्या होता है कि वाटर जो है लिक्विड कंडीशन में ही रहता है बल्कि आइस और स्टीम में नॉर्मल कंडीशन में चेंज नहीं होता हाँ अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह दोगे या फिर बहुत कम टेम्परेचर दोगे तो तब तो होगा लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो है तो ये दूसरे स्टेट में चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स अच्छा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर वाटर जो है माइनस एटी डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता और फ्रीज हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे होता और उस किस्म की कंडीशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जिंदगी पॉसिबल ही ना होती अच्छा इसके अलावा आपने देखा होगा अगर आप जूस में आ, या पानी में बर्फ़ डाल दो तो वो उसके ऊपर फ्लोटिंग करती है वाटर में एक ये भी यूनिक प्रॉपर्टी है कि जब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है आपने देखा होगा ना कि अगर आप वाटर बॉटल्स को प्लास्टिक वगैरह की फिल करके रख दो तो वो अगर आपने फुल करके रखा है तो अक्सर वो बॉटल्स बर्स्ट भी हो जाती है क्योंकि लो टेम्परेचर पर पानी फैलता है तो आपने कम डालना होता है पानी वगैरह क्योंकि वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा एक्सपेंड होता है एट लो टेम्परेचर वाटर जो है ना आपके पास हैवी हो जाता है एट फोर डिग्री सेंटीग्रेड दियर फॉर वाटर जो है सॉलिड वाटर लेस डेंस होता है लिक्विड वाटर से और इसी रीजन के रीजन की वजह से जो है तो वाटर uh, के ऊपर आपके पास आइस वगैरह फ्लोटिंग करता है वाटर बॉडी जो है वो फ्रीज हो जाती है एट लो टेम्परेचर जैसे आप फ्रिज वगैरह में किसी चीज़ को रखते हो तो वो फ्रीज़ हो जाती है लो टेम्परीचर पे इसके अलावा आपको पता है कि वाटर की ये प्रॉपर्टी भी है कि आयोनाइ कर सकता है चीज़ों को क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एच प्लस आयन है और हाइड्रोक्सल ओ एच माइनस आयन है और फ्यू ही मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि इतनी आसानी से आयोनाइज़ हो सकते हैं तो इन आयनस की वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स जो आपकी बॉडी में मौजूद है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस कर सकते हैं इन्हीं आयनस की मौजूदगी की वजह से एच प्लस NOH माइनस ions की वजह से अच्छा इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है वाटर किस पे भी शॉर्ट नोट आ चुका है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन अच्छा वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये आपके पास हमेशा कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए ठीक है जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि आपने ऑयल्स वगैरह डाल दिए क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो तो वाटर जो है ना वो हमेशा आयोनिक चीज़ों को ही डिज़ोल्व करेगा अब अगर आपने इस पर पोलर चीज़ों को डिजोल्व करेगा तो आपने नॉन पोलर चीज़ जैसे कि ऑयल बना दी तो उसके साथ ही कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि आप देखते हो कि आ, वाटर के ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स पानी के ऊपर फ्लोटिंग कर रहे होते हैं ठीक है क्योंकि उसके साथ उसकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती तो नॉन मोलिक्यूल नॉन पोलर मोलिक्यूल जो हैं तो उनकी कोई एसोसिएशन नहीं बनती पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते तो ये एबिलिटी पानी की कि ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को एक्सक्लूड करता है अपने अंदर डिजॉल्व नहीं करता बल्कि उसको एक्सक्लूड कर देता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन का वर्ड एक्सक्लूड से लिया गया हाइड्रोफोबिक्स मीन कि इसको वाटर वगैरह से डर लगता है ठीक है बाय फोर्सिंग द हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ वाटर टूगेदर वाटर काज दिज मॉलिक्यूल टू एज्यूम अ पार्टिकुलर शेप अब क्योंकि फोर्स जो है पानी डाल रहा होता है इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस पे तो उसकी वजह से आप जब भी कोई नॉन पोलर सब्सटेंस पानी में डालते हो तो वो डिफरेंट uh, टाइप के शेप्स वगैरह अडाप्ट कर लेते जैसे आपने देखा होता है कि ऑयल जो है तो वो सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाता है ठीक है इनशाला बाकी कल पढ़ेंगे